मैथ 180 चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई। वो कहते हैं इज द पॉइंट 04 इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 विद सेंटर एट यहां पे उसने कहा जी एक सर्कल है उसका सेंटर जो है वो हमारे पास इस तरह है कि -3 और 1 है। बात समझ आई है? उसका जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक वो है 4। तो आपने बताना है कि एक पॉइंट मैंने लगाया है यहां पे या यहां पे, कहीं भी लगाया, फर्ज करें कि कोई भी पॉइंट मैंने लगाया है कि ये हमारे पास है 0 और 4 पॉइंट मैंने लगा दिया, तो ये आपने बताना है कि आउटसाइड है या इनसाइड। बात समझ आई? ये देखिए अभी तो मैंने आउटसाइड लगाया, हो सकता है मैं यहां पे भी लगा दूं तो ये 0 और 4, लेकिन आपने इसको जो है प्रूव करना है कि ये सही है या ये सही है। तो आप देखिए यहां पे आप देखेंगे कि गिवन डेटा क्या है, गिवन है आपके पास रेडियस कितना है जी 4 है, आपके पास सेंट्रल पॉइंट कितना है जी, इसको हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट, वो आपके पास कितना है जी, वो ए कह लें उसको, वो कितना है जी, वो हमारे पास है -3 और 1, सही है जी। और आपके पास जो पॉइंट है, पॉइंट वो कौन सा है जी, बी पॉइंट है, मैं इसको बी कहता हूँ, या बी ये हो सकता है या बी ये हो सकता है। तो बी पॉइंट जो है वो मेरे पास है 4 और ये। अगर हम देखें आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि पॉइंट इज इनसाइड आर आउटसाइड ऑफ सर्कल। ये मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस आ जाए 4 से छोटा, इसका मतलब है वो रेडियस के अंदर अंदर है कहीं। बात समझ आई? अगर आ जाए 4 तो हम कहेंगे ना तो वो अंदर है ना वो बाहर है, बल्कि उस दायरे के बिल्कुल ऊपर है। बात समझ आ गई है? अगर वो 4 से बड़ा आ जाता है तो जाहिर बात है आप कहेंगे कि वो 4 से बड़ा है, ज्यादा उसकी रेंज से बाहर हो गया, तो क्या होगा, वो बाहर हो। अब देखिए या ये के लिए केस हो सकता है, ये हो सकता है, ये इसके ऊपर आ सकता है, लिहाजा हम देखेंगे। हम क्या करेंगे जी, हम देन क्या करेंगे, देन हम देखेंगे कि हम ए भी निकाल, ए भी निकालने के लिए क्या होता है, ए भी निकालने के लिए ये होता है कि आपने बड़े में से छोटे को निकालना है। बड़ा कौन सा है, 0, माइनस छोटा कितना है, -3, समझ आई? और इसको जमा कर दो आपस में और इसके होल का स्केयर, फिर ये 4 माइनस 1 और इसके होल का स्केयर और इन सारों को बांट दो। ये कौन सा फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहां से ए भी जो है वो किसके बराबर आएगा, ए भी आएगा जी 3 माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर और जमा 4 में से ये निकाले तो कितना आ गया, 3 और 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया जी ए भी किसके बराबर आएगा जी हमारे पास 9 जमा 9 और इसका अंडर रूट। तो ये देखिए 18 का अंडर रूट। अब आपको समझ नहीं आ रही कि 18 4 से बड़ा है कि छोटा है, ऐसी है ना, नहीं समझ आ रहा, तो क्या करेंगे आप इसको फिर वही जो हमारे पास होता है कि 18 का तरीका, 2 पे तसीम करें, 2 9 बार 18, फिर 3 पे करें तो 3 3 बार 9, तो ये हमारे पास आ गया जी ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर तरफ 2 का होल का। तो स्केयर कट के अंडर रूट से कट के बाहर, तो ए भी किसके बराबर आएगा जी, आएगा जी 3 अंडर रूट 2। अब आप कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर में लिखे 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आएगा 4.24 करके देखिए इसको 4.24 या समथिंग आएगा। तो ये ए भी आ गया जी हमारे पास है 4.2426। ये देखिए आप रेडियस से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, तो फिर ये बाहर होगा कि अंदर होगा, तो इसका मतलब है कि ये बाहर होगा। आप कहेंगे हैंस क्या करेंगे कि ये 4 पॉइंट या ए भी जो है वो ग्रेटर आ गया है किससे,
रेडियस से देन देन पॉइंट बी इज आउटसाइड द सर्कल। बात समझ आ गई है? लॉज।